हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, कुदरत ने हमें इतनी अधिक सुंदरता दी है कि इस पूरी सुंदरता को अपने जीवन काल में देख पाना, उसे अनुभव कर पाना और उसका आनंद ले पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं चीज़ों में खूबसूरत कुदरती चीज़ है सर्कुलेंट प्लांट्स। सर्कुलेंट प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं सर्कुलेंट लक्ष्मी कमल के बारे में बात करूंगी। ये देखिए लक्ष्मी कमल कितना सुंदर कमल के समान खिला हुआ ये सर्कुलेंट प्लांट है। सर्कुलेंट प्लांट क्या होते हैं? सर्कुलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो ऑर्नामेंटल हैं, जो अपनी लीव्स में, स्टेम्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। इनकी पत्तियां स्पॉन्जी होती हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फूल ज़रूर नहीं आते इनमें, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही सुंदरता लिए हुए होते हैं। जो भी लोग गार्डन रखने के शौकीन हैं, उनके यहाँ आपको तरह तरह की वैरायटी सर्कुलेंट प्लांट्स की मिल जाएगी। ये साइड से इनमें जो है, ये देखिए, ये ऑफ स्प्रिंग्स भी निकलते रहते हैं। ये छोटे छोटे देखिए, जब ये बड़े हो जाएं तो जाड़ों में इन्हें कट करके आप इनकी रिपोर्टिंग करें तो ये आपके यहाँ जो है वो इसकी वैरायटी इंक्रीज होती हो सकती है। सर्कुलेंट प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 1500 इसकी वैरायटीज़ हैं। हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फ्रेंड्स ऐसी है कि जिसमें विंटर में तो ये सर्कुलेंट प्लांट्स जो हैं ये बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, परंतु जैसे जैसे मौसम हमारा गर्मी की तरफ जाने लगता है और बरसात आ जाती है, तो इन सर्कुलेंट्स को सेव करना, इनकी रक्षा करना, इनको ठीक से रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सर्कुलेंट प्लांट्स हमारे कम देखभाल से ख़त्म भी हो जाते हैं। सर्कुलेंट प्लांट्स का इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसको हम ग्राफ्टो पेटोलम मैटो मैक्टोगेलाई के नाम से जानते हैं, परंतु बोलने की सुविधा के कारण इसको लक्ष्मी कमल का नाम दिया गया है। क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जैसे लक्ष्मी जी के पाँव के नीचे कमल पे वो विराजमान रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस लक्ष्मी कमल फ्लावर की आकृति है और इसीलिए ये इस तरीके की धारणा है कि लक्ष्मी कमल को अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपके गार्डन में धन की वृद्धि होगी। परंतु मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी कमल की आकृति ज़रूर जो है वो कमल के फूल की तरह है, परंतु किसी भी फूल से धन की वृद्धि नहीं होती है। धन की वृद्धि हमारी मेहनत से और जो है वो हमारे भाग्य से होती है। परंतु फिर भी ये सर्कुलेंट प्लांट इतना खूबसूरत है कि इसको सभी लोग अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। इसका नेटिव लैंड जो है वो मैक्सिकन वैरायटी का ये प्लांट है, मैक्सिको है। आज से 10 साल पहले ये लक्ष्मी कमल फ्लावर हमारे कंट्री में था भी नहीं, अभी ये आया है तो अब ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है और एक नहीं दो नहीं 10-10, 20-20 पौधे जो हैं वो गार्डन्स में लोग बाग लगा के रखते हैं। बहुत ही सुंदर सर्कुलेंट प्लांट है। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परंतु मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम इसकी सनलाइट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए लक्ष्मी कमल या कोई भी सर्कुलेंट है उसको आप साउथ फेसिंग लगाइए या कि आप ईस्ट फेसिंग लगाइए, नॉर्थ फेसिंग उसको मत लगाइए, बिल्कुल धूप के सामने जो हो प्लांट, इसको छनी हुई धूप मिलनी चाहिए, तेज़ धूप। जाड़ों में तो धूप में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन कोई भी सर्कुलेंट प्लांट है जैसे जैसे गर्मियां पास आएँ और बरसात का मौसम आए,
इन्हें हमें शेड में भी रखना है और गर्मी से भी बचा के रखना है। इन्हें छनी हुई धूप देनी है, बहुत तेज़ धूप से इनकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और ये प्लांट मर जाता है। दूसरी चीज़ जो हमको देखनी है वो ये देखनी है वाटर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने बताया कि इन प्लांट्स की जो ये पत्तियां होती हैं ये बहुत ही स्पॉन्जी होती हैं, ये देखिए बिल्कुल जैसे स्पॉन्ज होता है इस तरीके की ये पत्तियां होती हैं ये, और इसके स्टेम्स में भी वाटर होता है। तो हमें जब इसमें पानी डालना है तो गर्मी और बरसात में देख के डालना है। गर्मी में तो आप डाल सकते हैं लेकिन जाड़ों में इसमें 3-4 दिन में एक ही बार पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए। और केवल हमें पानी ही नहीं देना है, इस लक्ष्मी कमल जो सर्कुलेंट प्लांट है इसमें ये भी देखना है कि जिस पॉट में हमने लगाया है उसका ड्रेनेज होल अच्छा है या नहीं है। उसमें केवल एक ही छेद नहीं होना चाहिए, एक होल नहीं होना चाहिए, उसमें आपको कम से कम 3-4 होल करके रखने हैं ताकि आप जो इसमें वाटर दें वो ये सकुलेंट ले ले और बाकी नीचे से निकल जाए। ये आपको बहुत अधिक इसकी देख रेख करके रखनी है। तो ये हो गई इसके सन की बात और वाटर की बात। अब हम इसके पॉट की बात करेंगे। तो देखिए मैंने भी इन प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट्स में लगा रखा है। वो क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स बहुत अधिक बड़ी नहीं होती हैं, फैली हुई नहीं होती हैं और प्लांट्स की तरह। तो अगर हम इन्हें छोटे पॉट में लगाएंगे तो उसमें आपका पानी भी कम लगेगा, नीचे से सड़ने के चांसेस भी कम रहेंगे और आपका रूट्स को भी इतनी जगह चाहिए नहीं, तो ये प्लांट्स बहुत आराम से चलते रहते हैं। अब एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्लांट के लिए वो है उसकी सॉइल। तो सॉइल मिक्सचर का हमें बहुत ध्यान रखना है। इस प्लांट को मैंने जो है वो आपका कोकोपीट, सैंड, सॉइल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में लगाया है। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट लेके इसको मैंने इसकी पॉटिंग की है। और क्योंकि जब कोकोपीट आप डालें तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें पानी कम पड़े, क्योंकि कोकोपीट में भी मॉइस्चर होता है, इसकी लीव्स में भी मॉइस्चर होता है, इसके स्टैम्प में भी मॉइस्चर होता है। तो अगर आप पानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये प्लांट आपका गल जाएगा। जाड़ों में धूप में रखिए और गर्मियों में थोड़ी सी शेड में रखिए। अब इसकी कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपने इसके जो ये ऑफ स्प्रिंग सैपलिंग्स निकल रहे हैं इनसे अगर आपने अपने गार्डन में मेहनत की है और बढ़ाना चाहें तो ये आपको फ्री में हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। परंतु जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सी कम देखभाल में ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो जो सर्कुलेंट्स हैं ये महंगे बहुत होते हैं। ये जैसे आपको गेंदा है और जैसे गुलमेहंदी है, जैसे कि और सीजनल प्लांट्स हैं आपको एक्सोरा वगैरह है मिल जाता है, उस तरीके से नहीं। ये 200-400 तक की कॉस्ट में आते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली प्लांट हैं, तो इनकी देखभाल हमें ठीक प्रकार से करनी है। फर्टिलाइज़र में इसमें आप महीने दो महीने में एक बार हल्का फर्टिलाइज़र दीजिए। सबसे जो अच्छा फर्टिलाइज़र है वो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। वो आप आधा गिलास इसमें महीने भर में अगर एक बार देंगे तो आपका सर्कुलेंट बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। और इसके अलावा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें पेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी ये जो पत्तियां हैं ये पत्तियां इनके पीछे जो है ये अक्सर पेस्ट लग जाते हैं। तो उसमें आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है ताकि आप पेस्ट ना लगें और ये प्लांट आपका सुरक्षित रहे। तो सर्कुलेंट प्लांट्स जो हैं ये इनका कलेक्शन एक बहुत ही डिज़ायरेबल कलेक्शन है। और जिस तरीके से हम लोग और चीज़ों को कलेक्शन करना पसंद करते हैं, उसी तरीके से जो गार्डन लवर्स हैं वो इनका कलेक्शन करना पसंद करते हैं। बहुत तरीके के सर्कुलेंट्स आ रहे हैं, बनाना सर्कुलेंट्स है आपका, पर्ल सर्कुलेंट है आपका, और आपके जो हैं वो काफ़ी तरीके के सर्कुलेंट प्लांट्स आ रहे हैं। वो आप
अपने गार्डन में लगा सकते हैं, अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्ष्मी कमल सकुलेंट प्लांट अच्छा लगा हो, मेरे ये केयरिंग टिप्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।